और शुक्राचार्य सीधी आंख लगाएगा देख रहे अच्छे चेला ठगियाई में आ जाए और बहु का बलकड़िया
मेरे भैया एक कदम उठा करके ले गए ब्रह्मलोक नाप लिया। ब्रह्मा जी ने पानी चढ़ाया पैर के ऊपर, नीचे पात्र लगा लिया। पैर के सत्संग से जो पानी कमंडल में गया, उसी कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। बोलिए गंगा मैया की। और दूसरे कदम से सारे पृथ्वी को नाप लिया। तब कई बलि से अब एक कदम बाकी है। अपने आप में आ गए परमात्मा। बलि ने कही प्रभु एक कदम बाकी है। हाँ तो अभी मेरा शरीर बाकी है। भगवान बोले तेरा शरीर बाकी है तो जब शरीर में बांटो है तेरी पत्नी को। भाई पत्नी पूछे पत्नी को पूछे। आज बलि महाराज गए हैं आंगन में अपनी पत्नी से बोले क्या तुम मेरे शरीर को नपवा सकती हो? अपने बांट के हिस्सा को नपवा सकती हो? विंध्यावल ने कहा नाथ कैसी बात कर रहे हैं आप? बोली आज के जमाने की दशा देखिए 50% काउ के मायके में भैया के ब्याह में माड़ो गड़ाई में और भैंसिया मिल गई। ओ काउ दिना पति महाराज ने बात में फंस गए द्वार पे बेच दई और पैसा लेके गए घरे ले धरले रुपया काय के कुत्ते मायके ते भैंसिया ना आए माड़े गड़ाई सो बेच दई मैंने। तो माले में 50% कौन सी भाषा से है? क्यों तुम्हारे बापन ले रही मिल मेरे बापन ने मोए दई मोए बिना पूछे बेच कैसे दई। लेकिन विंध्यावली क्या संकेत कर रही है? पति की बात में राजी हो जाए ये पतिव्रता का धर्म होता है। पत्नी का कर्म है अपने पति की बात में सुख और दुख में साझीदार बन जाए। आज दोनों प्राणी इकट्ठे होकर के पहुंच गए चौखट पे। बलि ने कहा प्रभु मेरी पत्नी ने कह दिया तुम मेरे शरीर को नाप लो। भगवान बोले देख हम इस तेरी इस कर्म को निहार करके तेरे इस त्याग को निहार करके इस बहादुरी से हम बड़े प्रसन्न हैं। मांग ले जो मांगना चाहता है। बलि ने कही प्रभु मांगे तो मेरी पत्नी मांगे जाने पाए बांट को शरीर तो हुआ ना पीवे के लिए। भगवान बोले विंध्यावली से तुम ही मांग लो। विंध्यावली ने कही मैं सौ सौ पे बोली अरे तू जन्म बता भयो भी
ये कहा मैं नहीं मांगूंगी तुझ पे, जन्म लेता ही भिखारी बन के मेरे पति के सामने गोद फैला करके खड़ा हो गया। भगवान बोले बलि से तुम्हें ही मांग लिया तो उनकी बात है और कत्ती। बलि ने कही प्रभु मैं तो जरूर मांगूंगा, अब मोई तई और बता दो पहले मोई भेजोगे कहां, यहां तो मैं कुछ रहना होना। बोले सुतल लोक में प्रभु मांग लूं तो हम आज बलि विचार कर रहा है ऐसी चीजें मांगूंगा, ये तान देवो तान लेवो सीख जाएंगे आज के बाद। तो क्या मांगा बलि ने? प्रभु दुआ वरदान मांगूंगा। हां दुआ मांगो। तो पहले वरदान में क्या मांगा? बोला तो दूसरे से क्या मांगा बलि ने? अब की बार ऐसो मांग लूंगा सो उस ठिकाने लगा दूंगा। बोला भगवान ने तीसरा कदम पूरा करने के लिए और जो सिर पे उठा करके रखा धसका दिया मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल और राज चाहता है स्वर्ग को पहुंचाए थे पाताल पातालपुरी में सुतल लोक में बामन चौखट को बंगला तैयार मिलो बीआई आई थी। बीच आंगन में कुर्सी डाल के बैठ गए बलि महाराज और वरदान का मिलो तो जा चौखट पर नजर जा। बलि में कुर्सी पे बैठ गए विचार कर रहा है चलो तो सब कुछ को और दर्शन ही दर्शन रह गए। सामने नजर करी सो भगवान चौखट पे ठाड़े कुर्सी ने कमाई वीआईपी कुर्सी रहे जो ऑफिस में नहीं देखी होगी वीआईपी में घूमे जाते आते सो हल्की सी घूमी गई। दूसरी चौखट नजर गई भगवान ने सर किया थोड़ी सी फिर घुमाई तीसरी चौखट नजर भगवान ने को सर किया। उसके बाद कछु देर तक तो नंबर नंबर से मतलब चौखट पे नजर करी और ताके बाद विचार कर रहा तान देना लेना सब सिखा दूंगा मैं तो सब चलो ही हो दरअसल सर सर रह गए बहु का। अरे सोच समझ के ना जाने अब नजर पिछारी डारी है ¡Gracias!
नजर पिछारी करी भगवान दौड़ के पीछे पहुंचे ठाणे रहे है पाए तब तक कुर्सी फिर घूम गई नजर सामने भगवान बाहर के सामने आए आए सामने ठाणे रहे है पाए तब तक दाएं पाएं आगे पीछे भगवान चक्रेटी में प्रणाम किया लक्ष्मी मैया को लक्ष्मी ने कही नारद आज सवेरे के गए सो दिख नहीं रे कौन तुमन देखे हम आए नारद बोले मैया मैंने देखे आंखिन ने देखे ओ मैं कई दमो तो तू मानेगी ना बताओ मान जाऊंगी तो नारद बोले हाथ जोड़ के नारद ने लक्ष्मी से भगवान ने तो नौकरी कर ली है लक्ष्मी जी की ताकत है क्या नारद उन्हें क्या जरूरत है नौकरी कर नारद की मेरी तो पहले की तू मेरी बात ही ना मानेगी और देख ना मान नहीं तो चल मेरे संग संग तो अब यार दिखाई के लाइक ऑन टूटी है अब टूटी चल रही है उन्हें चल दिखाई लाऊं लक्ष्मी को लेके पहुंच गए सुतल लोक में दूर से कहीं अंत देख लो और देख ले इन पे इतना टाइम ना है कि तोते एक मिनट बात कर ले लक्ष्मी ने पीछे ले जाके आवाज दी ये लेकिन मेरी सुनो भगवान इशारा कर रहे हैं अबे दूर रहो टाइम नहीं मुझ पे सही लक्ष्मी पीछे लौट आई नारद ये तो आवाज आ रहा है रे सारे ने बात कर रहे हैं नारद ने कही टूटी चल रही है अबे इनकी लक्ष्मी मैया समझ गई अगर बात करें टाइम नहीं मेरे पे तो कहो बड़े चक्कर में बड़े बड़े जीते में करें नारद अब का हो गए नारद ने कही अबे अच्छे आंगन में ना बैठो कुर्सी डारे जाके कब जा में समझ गई मैया अगर जाने चक्कर में डाल रहे तो जी वैसा ही ना है और मैं ऐसी गई तो मैं पाना पड़ेगी और करो का लक्ष्मी मैया ने लक्ष्मी मैया बेकार बन के आगे बड़ी बड़ी और जो बलि के सामने जाएगी झोली फैलाई भैया मैं तो पे कुछ मांगी भैया भेष बदलने खड़ी है लक्ष्मी मैया आप लोगों ने देखा होगा जो भिखारी होते हैं ना वो हाथ फैला करके सबके सामने मांगते हैं पर मांगा तक आए लक्ष्मी को
उन्हें पैसे ही काले डाल दिए बिना लेने। और गांधी छापड़ारों के बड़े कुछ और दिखाओगे हम पे कछु ना है रुपया पेटीएम में तो बिल संग भर के रखा था पेटीएम कर दे मतलब मांग लक्ष्मी कोई है भिखारी मांग रहे हैं खुले में और बड़े बड़े लोग मांगते हैं मंदिर में भीतर। पर लक्ष्मी को सब मांग रहे हैं लक्ष्मी भी मांग रहे हैं भैया धन की वर्षा होए घर में पर आपने लक्ष्मी को मांगते हुए नहीं देखा होगा आज कैसे फंदा में पड़ी है लक्ष्मी मैया जो स्वयं भिखारी बन के ठाणी है बलि के सामने। कैसा तेजवान राजा था बलि भिखारी बन गए विष्णु भगवान आए गए बामन भगवान के रूप में और जब चक्कर में डाल रहे बलि ने तो साक्षात लक्ष्मी मैया भिखारी बन के ठाणी है झोल भैया मैं तोपे मांग भी आई और जितनी देर राजा ने लक्ष्मी से बात करी है तुमको वैसे मोपे है कछुना है अगर तेरे झोल फैलाई लई है तो खाली नहीं जाने दूंगा पर पैसा वो मांग लिए कि तू निराश ना है पाए वैसे मैं कुछ है ना है सब लुट गो मेरो पहले दे बैठो पहले ही नहीं बैठो सब कछु हिसाब से मांगी है वो जितनी देर राजा ने लक्ष्मी मैया से बात करी है इतनी देर में भगवान ने चौखट पे सांस लई है और भजन कर रहे हैं आज बड़े अच्छे टाइम पे आई हो तुम बहुत अच्छे टाइम पे आई हो अगर मैं कोई लेट है जाती तो दौड़ाए दौड़ाए की प्राण निकाल दिए तो मेरे बलि ने कहा मांग तो आज भिखारी ने बन के ठाणी है लक्ष्मी मैया और बलि में क्या मांग रही है बोली और तब ही प्रातः बनो मेरे
ये कहा राजू बांधूंगी तुम्हारे। सोई राजा बलि ने सीधा हाथ आगे कर दिया, बांधो राखी बांधी। उसी दिन से एक श्लोक और बन गया, एक बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाभारत के तौर पर बनना दर्शन माचल माचल। जब राखी बांधी उसके बाद संसार में रक्षा बंधन का त्योहार चल गया। अब राखी बांध के मैया पीछे हट गई। अब नारद बड़े आगे, बलि हाँ नारद बहन बनाए ले, हाँ राखी बनवा ले, हाँ दक्षिणा दई। नारद दक्षिणा दई, तो फिर राखी बनाई कैसी? तब कई बलि ने बहन अगर मुझे भैया बनाया राखी बांधी तो बधाई मांग ले, दक्षिणा मांग ले। अब नारद पीछे हट गए, भैया बड़ी आगे, भैया मांग लूं, मांग ले, मांग लूं भैया, मांग। पर ने कहावत मांगी मुख राव बचुना है, जे कई ऐसी चीज मांगूंगी जो तो पे मौजूद है। बढ़ी आगे और का बोली, भैया राखी बनाई है अगर मुझे दक्षिणा दे रहा हो तो का दे वो बोली। अरे राखी बांधी न समझ भाई दे, अपना चौकी प्यार लहाई दे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये कहा दक्षिणा में चौकीदार दे दे मोहे, अरे जैसी जिन्हें सुनी कि चौकीदार दे दे, सोई पहचान कर ली, पाए पकड़ के बैठे हो, लक्ष्मी मैया जा दे समय आई है, कोई बात ना, आज तेरे भैया बनाया बहन बन गई, तो आज के बाद बहन भैया को रिश्ता रहे हो, और देख आई है तो ले जा, ले जा इन्हें, और तू ना आती जा रूप में तो इन्हें तान देना, तान लेना सिखाए के तो बिल्कुल ले जा, ले जा। तब छुटकारा करवाए के लाइए भगवान को क्षीर सागर में लक्ष्मी भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, तुम्हारे सामने दैत्य वंश का बर्डन चल रहा है और अब तुम्हारे समक्ष बताने के लिए जा रहे हैं सूर्यवंशी सम्राट